हेलो एवरी वन वेलकम टू माई चैनल तो आज हमारे पास हुआ चैप्टर नाइनटीन आर स्टेट गवर्नमेंट और इस वीडियो लेसन में हम लोग देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को और इसके पहले के जो क्वेश्चन है उसका वीडियो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे कहा गया है वाट इज द मिनिमम एज टू बी गवर्नर ऑफ अ स्टेट हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा ये हम लोग का होगा थर्टी फाइव ईयर्स सेकेंड क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द मिनिमम एज टू बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट और इसमें हमारा आंसर यहाँ पे होगा ट्वेंटी फाइव ईयर्स ओके आइए थर्ड क्वेश्चन कहता है हमारे पास हु प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ लेजिस्टिव असेंबली और हम लोग यहाँ पे क्या आंसर करेंगे द स्पीकर फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे कहता है हु एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन गवर्नर एंड एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स राइट यानी गवर्नर और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसके बीच में यहाँ पे लिंक का काम कौन करता है तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा द चीफ मिनिस्टर लास्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट और इसका हमारा करेक्ट आंसर हो रहा है गवर्नर चलिए हम लोग मूव करते हैं अब यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की ओर और, और इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से कहा गया है मैंसन थ्री फंक्शन ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर आइए हम यहाँ पे फंक्शन को नोट करेंगे हमारा जो पहला यहाँ पे होगा आंसर इसमें लिखेंगे इट मेक्स लॉज द स्टेट ऑन दब्जेक्ट मैंसन इन द स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट पहला हो गया दूसरा हमारा यहाँ पे है इट पास द एनुअल बजट ऑफ द स्टेट और तीसरा हम लिखेंगे इट कीप्स अ चेक ऑन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट अब सेकेंड क्वेश्चन ये कहता है डिस्क्राइब द पावर ऑफ द गवर्नर ऑफ अ स्टेट जो गवर्नर है उसके क्या पावर्स होते हैं इसके बारे में हमको यहाँ पे बताना है तो मैंने यहाँ पे फाइव पॉइंट्स नोट किया है ओके okay? आप कुछ और भी अपने अकॉर्डिंग नोट कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है तो चलिए हम देख लें कि क्या क्या हमारे पास यहाँ पे फंक्शन्स हुआ करते हैं आ गवर्नर के पहला है द गवर्नर अपॉइंट्स द लीडर्स ऑफ द मेजोरिटी पार्टी एज द चीफ मिनिस्टर दूसरा द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज आल्सो अपॉइंटेड बाय हिम ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ़ मिनिस्टर थर्ड हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे ऑल अपॉइंटमेंट टू हाई ऑफिस इन द स्टेट आर मेड बाय द गवर्नर फोर्थ है इट कैन एड्रेस समन एंड डिजॉल्व द लेजिस्टिव असेंबली और लास्ट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी बिल विच द स्टेट लेजिस्टिव असेंबली पासिस बिकम्स अ लॉ ओनली आफ्टर द कंसेंट ऑफ द गवर्नर आप यहाँ पे कुछ और भी नोट कर सकते हैं ओके okay? डिपेंड करता है कि कितना मार्क्स का क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पॉइंट्स नोट करने हैं अगर फाइव मार्क्स के क्वेश्चन है तो आपको फाइव पॉइंट्स नोट करने होंगे चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड थर्ड नंबर क्वेश्चन पे क्या कहा गया है व्हेन इज द पर्सिडेंट्स रूल इम्पोज इन अ स्टेट यानी स्टेट में प्रसिडेंट रूल कब लागू हो जाता है तो यहाँ पर कुछ कंडीशन हैं इसको हम लोग ध्यान रखेंगे देखिए कहते हैं प्रसिडेंट रूल इज़ इम्पोज वेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सरकमस्टांसिस है तो पहला यहाँ पे क्या हो सकता है द स्टेट लेजिस्लेचर इज़ नॉट एबल टू इलेक्ट अ लीडर एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द फॉर अ टाइम पीर टाइम प्रिस्क्राइब्ड द स्टेट्स गवर्नर देखिए यहाँ पे जो टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड के अंदर उसको बनाना है चीफ मिनिस्टर ओके उस टाइम पीरियड के अंदर वो नहीं कर पाता है तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा प्रेसिडेंट का रूल इम्पोज हो जाएगा सेकेंड हम लोग क्या देखेंगे ब्रेक डाउन ऑफ अ कोलेशन इन द स्टेट गवर्नमेंट

एपिडेमिक और वार एट्सट्रा अगर ये कुछ एडवर्स सिचुएशन आता है तो एडवर्स सिचुएशन में जो इलेक्शन है वो इलेक्शन नहीं हो पाएगा उस कंडीशन में हमारा जो होगा प्रेसिडेंट का रूल स्टेट में लागू हो सकता है तो ये कुछ यहाँ पे कंडीशन हैं जिसको हम लोग ध्यान रखेंगे चलिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसको आप ज़रूर से ध्यान रखें आइए फोर्थ क्वेश्चन कहता है इन लिस्ट फाइव फंक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइव फंक्शन नोट करने हैं तो हमने यहाँ पे नोट किया हुआ है ये कुछ और भी आप नोट कर सकते हैं देखिए पहला हमारे पास है फॉलोइंग आर द मेन फंक्शंस ऑफ़ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो पहला यहाँ पे कहता है एडमिनिस्टर्स एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन स्टेट दूसरा एग्जीक्यूट लॉज एंड डिसंस मेड बाय द लेजस्लेटिव असम्बली एज वेल एज द यूनियन गवर्नमेंट और तीसरा फॉर्मुलेट्स पॉलिसीज फॉर द स्टेट एक्टिविटीज़ फोर्थ यहाँ पे हो रहा है गिव एडवाइस टू द गवर्नर और फिफ्थ नंबर हम लोग लिखेंगे मैक्स लॉज विद द हेल्प ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर बेस्ड ऑन द स्टेट लिस्ट एंड द कनकरेंट लिस्ट आइए लास्ट हमारे पास जो क्वेश्चन इसमें कहता है वाई शुड द गवर्नमेंट वाई शुड द स्टेट गवर्नमेंट बी गिवेन मोर पावर्स हम यहाँ पे आंसर क्या कर सकते हैं हम आंसर यहाँ पे करेंगे द सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ मोर पावरफुल एज इट हैज़ मोर पावर्स मोर रिसोर्सेज एंड मोर फाइनेंसेस तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो ज़्यादा पावर है और क्यों है इसका रीज़न यहाँ पर हम लोगों ने नोट किया हुआ है आगे लिखेंगे अस्टिल द स्टेट गवर्नमेंट हैव अन इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन द इंडियन फेडरल सिस्टम नेक्स्ट हम लोग आगे यहाँ पर नोट करेंगे द जॉब ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट इज़ कन्फाइंड टू द बाउंड्रीज ऑफ द पार्टिकुलर स्टेट सो इन ऑर्डर टू रन द फंक्शंस ऑफ द स्टेट ऑफ द स्टेट द स्टेट गवर्नमेंट शुड हैव मोर पावर्स तो यहाँ पे ये यह आंसर हमारा हो सकता है चलिए हम लोगों ने कम्प्लीट कर लिया है यहाँ पे सारे क्वेश्चन आंसर को सो थैंक्स फॉर वॉचिंग हैव ए ग्लोरियस डे हेड लाइक दिस वीडियो शेयर विथ अधर्स एंड डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फिर मिलते हैं अगले वीडियोज में तब तक के लिए धन्यवाद